यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। केशव प्रसाद मौर्य आज दोपहर सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां वे आज बताया जा रहा है कि कई सारी परियोजनाओं के साथ साथ ही 2 बजे होने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। वाराणसी में आज मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह सुबह काशी के घाटों का दीदार किया और साथ ही नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। इस दौरान वोट के साथ साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बोट पर सवार डिप्टी सीएम से जनतंत्र टीवी संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने भी खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी इस वक्त वाराणसी में हैं और सुबह बनारस का आनंद ले रहे हैं। अभी उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया और इस वक्त बजड़े पर सवार होकर काशी के जो घाट हैं उनकी अनुपम छटा वो निहार रहे हैं। आइए बात करते हैं डिप्टी सीएम साहब। सर, निश्चित तौर से आज का दिन बहुत अच्छा है, इस नाते भी कि आज बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में जाके प्रार्थना किया, विशेष पूजा किया और जो बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, जो लोक निर्माण विभाग की देखरेख में चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया और कार्य के प्रगति की जानकारी ली। जो कार्य है वो संतोषजनक है। आज माँ गंगा की कृपा से गंगा मैया के घाटों का भी अवलोकन करने का शुभ अवसर मिला है और जब भी मैं काशी आने का मौका पाता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है इस प्रकार से मैं हर उस स्थान को देख पाऊँ जो काशी के लिए महत्वपूर्ण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ही मैं अभी निरीक्षण किया, समीक्षा किया और उसको निर्माण की जो एक तरह से अंतिम तिथि है उसके बारे में भी पूछा। जो हमारे अधिकारी हैं वह भी लगातार सक्रिय हैं और जो निर्माण करने वाली एजेंसी है वह भी लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ जी के भक्तों के सपनों का बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र ही पूरा होगा और देश अभी निर्माण चल रहा है तभी से खुशी से झूम रहा है, लेकिन जब निर्माण पूरा हो जाएगा दृश्य ही कुछ अलौकिक होगा कि परिसर में प्रवेश करते ही लोगों को लगेगा कि वास्तव में अब बाबा विश्वनाथ जी की माँ गंगा मैया की कृपा से काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश चल रहा है तो काशी की प्रगति बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का कॉरिडोर किस प्रकार से निर्माण का कार्य तेजी से है, किस प्रकार से पूर्ण हो रहा है। सर, एक और विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य इतनी तीव्र गति से चल रहा है, तमाम सारे विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये कहना है कि 1000 साल में भी बीजेपी जो है वो काशी को क्योटो नहीं बना सकती है। ये उनकी सोच होगी, जो इस सोच के अंतर्गत काम करते हैं उसी के कारण 5 साल में 50 साल पीछे उत्तर प्रदेश को ले गए और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल में ही 40 साल आगे ले जाने में हम लोग सफल हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। सर, आखिरी सवाल, जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें किस तरीके से आशावादी है बीजेपी और बंगाल का जो किला है वो क्या फतह हो पाएगा? चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की, उस फैसले का स्वागत करता हूँ और 8 चरणों के माध्यम से जो चुनाव होगा उसमें जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं निष्पक्षता से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और फैसला जो मैं अभी तक पश्चिम बंगाल के दौरे से देखा हूँ उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत आगे चल रही है और 200 से अधिक सीटें भाजपा अपने दम पर जीतेगी। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी मौजूद थे और उन्होंने तमाम सारी बातों पर विस्तार से चर्चा की और साफ साफ उनका ये कहना है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की विजय होगी। सहयोगी अनुप के साथ में अभिषेक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।